कि 1% भी ना आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये फॉरेन नहीं है, ये इंडिया में। और ये सब स्ट्रीट है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ ना घूमे ना तो मुझे लगता है कि कहीं ना घूमे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फोर्ट कोची। और आज हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इस पार्ट में आपको हम अपने हॉस्टल घुमाएंगे और आपको बताएंगे कि सबसे कम बजट में आप कहाँ रुक सकते हैं बहुत ही अच्छा, मतलब एसी वाला रूम में। तो पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राजीव आर्या और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आपको रूम का टूर कराते हैं सबसे पहले, और उसके बाद पूरा हर चीज़ बताते हैं। तो ये रहा मेरा बेड, और ये मेरा बेड है। ऊपर देखो, ऊपर भी एक बेड है, लाइट है, फैन है, इधर भी बेड है, इधर भी बेड है। टोटल जो है ना 6 बेड है मेरे रूम में। एसी है, एसी चल रहा है 25 पे। आप टेम्परेचर वहाँ से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बाकी पिलो है। हर जगह हर बेड पे आपको देखने को मिलेगा कि फ़ैन, उसके बाद चार्जिंग पॉइंट, लाइट, वाईफाई सिस्टम भी आपको मिलेगा जो कि गो स्टॉप्स का है। और ये देखो, ये चार्जिंग पॉइंट हो गया, ये फ़ैन का हो गया। ये देखो, ये फ़ैन चल रहा है, ये मैंने बंद कर दिया। ये लाइट का देख लो, ये लाइट है। यहाँ रखने के लिए आपको छोटा सा और मतलब रैक्स दिया गया है। ये पिलो है जो कि पिछले वाले गो स्टॉप्स में भी यही पिलो मिला था। ये आई थिंक मुझे लगता है, और ये मेरा लगेज सूज। और साथ में आपको कंबल भी मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही गर्मी देता है भाई, मतलब क्या ही बताएं। साथ में आपका जो बेड शीट होगा ना और पिलो बहुत ही साफ रहेगा, बहुत नीट क्लीन। ये देखो, ये लॉकर है जो कि आपको अपना सामान अगर रखना हो तो यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसमें अपना सामान रखें, ये दूसरे ऊपर वाले का, ये नीचे वाले का। इसमें अपना लगेज रखें, और फिर मतलब यहाँ चोरी वोरी का तो सीन बिल्कुल भी ना है। टेंशन एकदम 1% का नहीं है कि अगर मतलब लॉक नहीं लगाते, लॉक नहीं मिलता इधर केरला में। मैं अभी तक जहाँ गया कहीं लॉक मुझे नहीं दिए, और बिल्कुल भी सच बताए तो टेंशन नहीं है। मैं इसी तरह लैपटॉप वैपटॉप और क्या क्या कपड़ा उपड़ा फ़ोन वोन छोड़ के चला जा रहा था, लेकिन कोई उठाने वाला, कोई छूने वाला नहीं है। नॉर्मली रूल्स जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको सेक्स, ईटिंग, अल्कोहल, ये सब अलाउड नहीं है। अब मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। ये रहा बाथरूम का सीन, ये देखो, ये रहा टॉयलेट जो कि बहुत ही साफ है। ये आपका बेसिन, और यहाँ पे देखो मिरर है, लाइट है, और शावर है जो कि चल रहा है, मैंने अभी नहाया। बाकी सब कुछ सही है, ठीक है, काफ़ी साफ है। बाकी अंदर का तो हो गया, अब हम आपको बाहर का दिखाते हैं जो कि इसका प्राइस भी बताएंगे। और बाहर ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रॉपर्टी जो है ना, वाकई में है चीज़, प्रॉपर्टी का जो क्वालिटी है वो है। तो बाहर की ओर चलते हैं, और ये लाइटें जो है बंद करते हैं। हमारा जो था 104 है, और गर्ल्स का जो है वो 105 है। ये पैरोट, डोर ओपन करते ही आपको सीधे पोर्ट दिखेगा। बाकी इधर इधर का व्यू कुछ ऐसा है, बारिश हुई रात को, और इधर अपने प्रणीत भैया बैठे हुए हैं और पूरा अपना एंजॉय ले रहे हैं। बाकी लाइट को देखो, ये लैंप लगाया गया है। लैंप में एक्चुअली अंदर LED है, और CCTV भी आपको मिलेगा। बाकी व्यू जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो प्रणीत भैया हाय करें। और ये बेंगलुरु से है, अभी हम लोग बीच जाएंगे एक्चुअली। बाकी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। एक्चुअली आपको वाईफाई मिलेगा, और एक डोर और मिलेगा जो कि आपको एक कॉमन रूम में लेके जाएगा, और ये आपको पीछे लेके जाएगा जहाँ आपको कपड़ा वपड़ा जो है सुखा सकते हैं। बाकी अंदर आइए, तो अंदर का जो व्यू है ये देखो, बहुत ही अमेजिंग, मतलब बहुत ही प्यारा डेकोरेट करके रखा गया, बहुत ही प्यारा, देख रहे हो। ये जो है सारा रेलिंग जो है वो लकड़ी का है, जैसे कि आपके पिछले वाले में भी मिला था। और ये देखो, तो ये व्यू है। यहाँ पे एक मिरर लगा है जो कि बहुत ही मतलब प्यारा पोजीशन पे है। और देखो, इधर से आपको पीछे का भी पूरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा, और नीचे का भी दिख जाएगा। ये देखो, तो मेरे नीचे दिख रहा होगा, और बाकी अभी आपको नीचे तो लिए चलेंगे ही। नीचे जो है
लकड़ी का सेट है भैया, तो ये भी एक अलग चीज़ है, बहुत जगह मिलता नहीं है भाई, ये सब चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। को स्टॉप्स का रिसेप्शन है और भाई ने लाइट भी जला दिया। और भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। सलमान, सलमान जी है और सलमान खान खान ना? नहीं। ओके ओके, तो यहाँ पे बाकी आपको किचन एरिया भी यही है क्या? नॉर्मल सा है एक्चुअली, आपको खाना यहाँ पे उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं मिल पाएगा। काउंटर जो है गो स्टॉप्स का यहाँ पे है। और ये रूम है क्या? हाँ अच्छा, ये एक्चुअली मैनेजर सर का रूम है और बहुत ही प्यारा, देखो यहाँ पे पानी वानी का, ये क्या है पीछे? स्टोर है। ये जो एरिया है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये बैठकर टेबल लगाकर खावा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आपको यहाँ अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी यहाँ घूमने के लिए जो है फोर्ट कोची में, वो आपको यहाँ लिखा गया है, ज्यूस टाउन, मेट्टाचेरी पैलेस वगैरह वगैरह जो भी है, रेस्टोरों के नाम है, ये बार्स के नाम है। बाकी बाहर का व्यू तो ऐसा है, बहुत ही प्यारा। और ये देखो, तो ये प्रॉपर्टी मुझे बाहर से इतना अच्छा लगा ना देखने में कि क्या ही बताऊँ। तो ये चीज़ है, बाकी आप इसे ओपन करेंगे ऐसे और एंट्री करेंगे, और इसे अगर स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कॉमन स्पेस देखने को मिलेगा। एसी है, टीवी है, बैठने के लिए चेयर है, टेबल है, बूफर है, और खेलने के लिए आपको कुछ स्पेस कार्ड वगैरह और ये कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी ठीक है, खाने वाने के लिए यहाँ पे खाने वाने का है ना, खाने वाने का। और ये है सलमान, बहुत अच्छे इंसान है भाई। आसाम से हो? ओके ओके, आसाम से है भाई, तो बहुत मतलब अच्छे आदमी है। बाकी चलिए आपको हम अब इसके बाद लेके चलते हैं बीच पे और बीच घुमाएंगे। तो एक चीज़ और बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि आप गो स्टॉप्स में ही रुके, उस अदर हॉस्टल में भी रुक सकते हैं। और प्रनीत भैया ने पूछा जाके, पूरा इंक्वायरी ले रहे थे बाकायदा, तो वही रेट होता है 500 और 600 के आसपास, ज़्यादा कुछ मतलब कॉस्टली होता नहीं है हॉस्टल, बस यही प्राइस में मिलते हैं आपको। बाकी होटल्स जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में मिलेंगे, जो कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे होटल लेते हैं, रूम लेते हैं। सामने से बस आ रही है, बस स्टैंड जो है बगल में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट बार, डिफरेंट टाइप ऑफ बार मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही रातें रंगीन करने के लिए काफ़ी है। बाकी यहाँ पे व्हीकल व्हीकल जाते हैं बोट में, और बोट से दूसरे लैंड पे जाते हैं, आईलैंड पे। तो ये सब चीज़ है, फेरी वेरी, देखो कितने बड़े से बोट है। ये एरिया कवर करते हैं ना, इसमें पूरा डॉल्फिन है। हाँ अच्छा, डॉल्फिन है। तो हम इस रेस्टोरेंट में बैठे शायद हमको बहुत डॉल्फिन दिखाएगा। डॉल्फिन से एरिया है इधर, और यहाँ पे आपको अगर जाना हो ना, गवर्नमेंट पूरा मेंटेन करती है, तो आप जा सकते हैं, बहुत सही है भाई। जिन्हें डॉल्फिन पसंद है, देखना है, वो जा सकते हैं। तो ज़रूरी है चाय पीना, और चाय पीते हैं सर टूटी। तो सुबह सुबह का चाय पीना बहुत ज़रूरी है क्या भैया? बहुत ज़रूरी है, तो पीते हैं फिर आपको बीच घुमाएंगे अभी। तो छोटा सा बीच है एक्चुअली, मेन बीच जो इसका है उस साइड है, जो कि लोग बहुत कम जाते हैं, और ओके ओके बीच है, कुछ खास नहीं है, बाकी फ़ोटो सेशन के लिए ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ कर आनंद ले सकते हैं। बाकी अभी सुबह है तो आपको बहुत कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो कि आपको सुबह हो या शाम हो, मज़ा तो बहुत आने वाला है। एलएपी में या कोलम में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये डिफरेंट है तो अच्छा लग रहा है वाकई वाकई में, मतलब कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो सामने आप देख रहे हैं जैसे कि ये हाथियों का झुंड कहाँ जा रही है भाई, आई डोंट नो, ये चर्च है। और एक ये रोड जा रही है जो कि आगे मार्केट में जाएगी, और डच बंगलो है ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये डच बंगलो है और बहुत ही प्यारा है, देख रहे हैं। और इस रोड पे जाएंगे, ये है नापैर स्ट्रीट, तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और चलिए फिर इधर ही हम लोग को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको चर्च दिखाना है। उम्मीद है कि आपकी भी नज़र नहीं उतर रही होगी व्यू से,
और बहुत ही प्यारा है ना, बहुत ही ज़्यादा लवली प्लेस है, बहुत ही मतलब फील जो आता है ना गोवा वाला पूरा डिट्टो आता है, जैसे कि मूवीज़ वगैरह में देखे। मैं तो गया नहीं पर्सनली, लेकिन मुझे यहाँ आके ना संतुष्टि हो गई है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, कभी चलेंगे। यहाँ की जो सरकारें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रही है। एक और गली है जो कि बहुत नीट एंड क्लीन है, बाकी सामने भी एक गली है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। इस साइड डच रोड, ये डच रोड है। तो केरला में एवरीथिंग है और जो चीज़ ढूंढिएगा ना वो चीज़ है। प्रॉपर एक सरकार को कैसे ट्रीट करना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, वो यहाँ से सीखे कोई। वाकई में क्या मतलब, कोई स्टेट पता नहीं मतलब कौन सा स्टेट कितना वो करती है, पर जो भी करती है ना केरला से मुझे लगता है कम ही फैसिलिटी एंड सारा कुछ, एवरीथिंग बोल तो रहा हूँ एवरीथिंग वो कम देती होगी। तो सामने मेरे जो दिख रहा है ये संत फ्रांसिस CSI चर्च है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ ना घूमे ना तो मुझे लगता है कि कहीं ना घूमे। एक्चुअली क्या होता है कि हर जगह की विशेषता अलग होती है और हर चीज़ों को घूमना ना, एक्सप्लोर करना, उसका अलग महत्व होता है। जैसे कि हैदराबाद का बिरयानी पसंद है और हैदराबाद का चार मीनार जो है ज़्यादा फेमस है, वो उसी तरह ये जो है सारे चर्चों में से ये संत फ्रांसिस जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। मैंने क्यों बोला ये चीज़, क्योंकि लोग बोलते हैं ना मतलब जैसे कि गूगल के अनुसार भी वास्को डी गामा जो है उनकी मृत्यु यहीं पे है, कवर है यहाँ पे, और 1524 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनका डेड बॉडी जो है यहीं पर है, तो इसीलिए इस चर्च को बनाया गया है और यही है जो कि आपको यादगार रखने की ज़रूरत है। ऊपर क्लॉक है, बाकी ये सारे आपको मार्केट दिखेंगे और ये सब स्ट्रीट है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही मतलब पॉपुलर है। एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं ये सब स्ट्रीट जो है प्रिंसेस स्ट्रीट दिस साइड, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं इसी प्लेसेस पर, इसी स्ट्रीट पर। तो अभी हम आपको सुबह का टाइम का जो है वो व्यू दिखा रहे हैं, बाकी रात का भी दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा, लंबा नहीं थोड़ा सा। और बाकी ये सारे इत्र वित्र के दुकान है, रेस्टोरेंट ही है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और आपको बस चूज़ करना है, वहाँ बैठकर एंजॉय लेना है भाई। तो मैंने तो बहुत सारे जगहों पर फ़ोटो भी नहीं क्लिक करवा पाया, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि 1% भी ना आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये फॉरेन नहीं है, ये इंडिया में ही है, क्योंकि लोकेशन भी कुछ ऐसा ही है और लोग सामने देखो कितने लंबे लंबे जा रहे हैं, तो लोकेशन भी वैसा ही है, लोग भी वैसा ही है और क्या ही बताएं फिर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कोची हेरिटेज होटल है और मैंने यहाँ पर तो भाई फ़ोटो सेशन करा ली है भाई ऐसे बोल के। जेट्टी रेस्टोरेंट समझे क्या, कुछ डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट ना है। बाकी हम लोग आ गए हैं टावर रोड में, ये टावर रोड का व्यू है और ईट कोची यहाँ पे लिखा है, ईट कोची, तो यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं फूड, कोई दिक्कत ना है। जेट्टी रेस्टोरेंट, जेट्टी रेस्टोरेंट जानते हैं क्या होता है, नाम होता है। और ये देखो क्या ही व्यू है ना। मोस्टली क्या होगा आपको रूम्स यानी कि होटल्स एंड जो होते हैं रेस्टोरेंट वही सब ज़्यादा मिलने वाले हैं। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और ये एक रेस्टोरेंट है जो कि लोग बैठे हुए हैं। देखो देखो अगर मैं वो नहीं रहता ना सोलो, तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में ठहरता, इन्हीं सब चीज़ों का आनंद लेता। कॉटेज है ये और मतलब कम से कम चाहिए यार, एक लोग तो चाहिए ना, बाकी आप पे डिपेंड करता है। ये कौन सा ज़माने का कार है यार, ये देखो याद आ रहा है, किसी मूवी में देखे होगे। तो आज का खाना यही है कि बिरयानी खाना है और बिरयानी जो है ठीक है, 125 रुपये का पड़ा है और अब रायता भी आ चुका है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो गाइज आपका ये रहा पूरा टूरिस्ट स्पॉट जो कि आपको टोटल दिखाए तीनों पार्ट में मिलाकर, को रहना कहाँ है ना वो इस ब्लॉग में आपको पता चल गया होगा, लेकिन बहुत सारे रहने के ऑप्शन हैं, होस्टल है
और जो हॉस्टल का भी हॉस्टल है गो स्टॉप से आप ऑनलाइन बुकिंग डॉट कॉम पे बुकिंग कर सकते हैं। और कैसे घूम सकते हैं तो ऑटो वाले से सबसे पहले बचे भाई, बाकी चलिए जो भी बजट होगा वो आप पे डिपेंड होगा। और मैंने तो सिस्टम बता दिया कि खाने का लगभग 500 से 600-700 तक जाने वाला है, पानी का आपका। हाँ गर्मी है भाई तो गर्मी में आइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, सीजन गर्मी में ना है, ठंडा में है, ठंडा में आइए, सीजन है। और मेरे पीछे एक और चर्च दिख गया है तो ये चर्च ही है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला ब्लॉग होगा कोची टू मुन्ना।